हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस भाषा। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को अपडेट कैसे किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू बेसिकली अपेंड, इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू डेटा टू द एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल, हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, प्लस इज देयर एनी वे ऑफ सॉर्टिंग द डेटा ऑल्सो सो दैट वी कैन गेट द डेटा result as per our own convenience, and we will also going to know how to delete the data from the given file. So without wasting any further time, फटाफट से start करते हैं। याद रखेंगे हम बिल्कुल कि हम अभी तक जितनी भी चीज़ें करते हुए आ रहे हैं वो दोनों चीज़ें हम दो methodology से कर रहे हैं। When we know how the data is stored on in the file, so either it is stored as a single record or it is stored as a multiple record. तो हम बाकी चीज़ें भी, बाकी functionality भी keeping in mind these things, we will going to continue with that. Okay, so let's start with the first case of appending the data in the given file. So suppose हमारे पास data फिर से stored है as a single record. So अगर हम अपना पुराने वाला program लें तो हम same चीज़ लेते हैं कि हमारे पास वही same file है, binary file है, जिसमें हमने data already enter करना है, and then we want to read it, but we'll read it as a single record. So इसीलिए हमने pickle dot dump बिल्कुल बाद में किया था, and of course we are supposed to import the function, I mean the module pickle. Okay, so अब हम क्या करेंगे, हम existing data को छेड़ते बिना, is there any methodology by which I can append the data? देखो append का मतलब क्या होता है, append का मतलब ये होता है कि आपको फाइल के एंड में जाना है और डेटा लिखना है। अब इस केस के अंदर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज वी स्टोर्ड द डेटा एज अ सिंगल रिकॉर्ड, देयर फोर इसके अंदर हम append मोड में फाइल को नहीं खोल सकते। The reason being, the data is not entered as a multiple record, the data is already entered as a single record. तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके अंदर हम डेटा को अपेंड कैसे करेंगे। हम सारा डेटा पहले उठाएंगे, डेटा को हम स्टोर करेंगे पाइथन के ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड वंस वी हैव द डेटा इन द पाइथन ऑब्जेक्ट देन वी विल अगेन अप्लाई द सेम मेथडोलॉजी ऑफ एक्सेप्टिंग मोर डेटा एंड वी कीप ऑन अपेंडिंग that python object. I hope it is clear to you. So hum wahi methodology keeping in mind, we'll write another function. So function hum quickly likh lete hain yahan pe ki humne kya kara hai. Suppose iska hum naam dete hain append, all right. So is function ke andar we'll just open the file jaise humne is case ke andar kiya tha. File we have already opened, humne डेटा को पूरा का पूरा पहले लोड कर लिया, सो आई टेक अ वेरिएबल, आई एम क्विकली डूइंग द सेम कॉन्सेप्ट ताकि हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो वी हैव द डेटा नाउ स्टोर्ड इन आर ई सी इट सेल्फ, वंस वी हैव द डेटा वील अप्लाई द सेम मेथडोलॉजी एंड वील गोइंग टू एक्सेप्ट द डेटा। सो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता रहेगा वैसे वैसे हम डेटा एक्सेप्ट करके आर ई सी की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, बिकॉज हमारे को डेटा को अपेंड करना है, मतलब पहले हमने डेटा को रीड करा तो मोड क्या हो गया, आर ई। आफ्टर वी हैव मेड एडिशंस इन द एग्जिस्टिंग पाइथन दिस वन ऑब्जेक्ट, नाउ आई वुड लाइक टू गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड आई वांट टू ओवरराइड द फाइल सो दैट द इंटायर डेटा गेट्स रिप्लेस्ड विद द सेम फाइल ऑब्जेक्ट, but not the file object, I'm sorry, but with the python object, and then it is overwritten or it is rewritten inside the file, all right. So इसीलिए हम इसका mode change करेंगे rb plus को। so I think आपको ये समझ में आ गई है मैंने क्या बोला। मैं आपको एक बार फिर repeat कर रही हूँ, आपने file को खोला in rb plus mode so that you go to the beginning of the file. From there you have loaded the entire data. Data load करने के बाद अब आप through this loop, अब आप अंदर आए हैं loop में and you are accepting more data and you are appending the existing list. Once you have appended and you are out of the loop, now what you are supposed to do? You are supposed to go to the beginning of the file. So how do you go to the beginning of the file? You simply say f dot seek zero. I hope ये जो कल हमने पढ़ा था आपको ये याद होगा। Once you go
to the beginning. Now you're just supposed to dump. Okay, so let's quickly copy paste this and we are done with that. Once we are done, because this time we did not use the with concept, we've just opened the file, so it becomes compulsory for us to close the file. So if I say f dot close, once my task is done, and that's it. Okay, so I've read the data, we have written the data. Let's quickly run this program by just calling these functions one by one. So we're going to have write. Once we have written, I would like to read. Once I have read, I would like to append. And let me see whatever data I've appended, I am getting that in my file or not. So quickly run this program. Let me have the first roll number, say 45, with the name Gagan. With the percentage 77, yes, I want to enter another record. So it is Iqbal. No, the roll number I need to enter. So 643 kar dete hain roll number, Iqbal. Then we have the percentage as 87. I don't want to enter more records. So I have these two records now shown to me. I would like to enter another roll number, simply means that it has already invoked the append function. So if I want to enter, say, in between roll number 44, and then I want to enter a name, SAR, and then the percentage is 85. I want to enter another record. Okay, so I want to enter the roll number 41. Another name is, say, Tanya, and percentage is 99. Then I don't want to have more records. And can you see now these four records, I mean two plus more records have been already added into the file, and thus the file has been appended. So I hope you've understood how we're basically supposed to modify or add more records into the existing file. I hope now you've understood how we're supposed to append the file when we are having the record as a single, when the data is stored into the file as a single record. Now let's take the other case. So now the second case where we have not stored the data in the form of a single record, but we have stored the data in the form of the multiple records. So multiple records mein isko hum hata dete hain. Multiple records ke andar humne one by one data liya, और साथ साथ वो डम करता गया, एंड वंस इट्स डन वी आर आउट ऑफ द फाइल. सो अब इसके अंदर हम लोग अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ अपेंड वर्क. देखिए अपेंड इसके अंदर कैसे काम करेगा. अपेंड का मतलब है मुझे अब एंड ऑफ द फाइल पे जाना है, और एंड ऑफ द फाइल से अब एक एक करके रिकॉर्ड एंटर करते रहना है. इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटी में डिफरेंस नहीं आएगा. सो इसके अंदर आप जब अपनी फाइल को खोलेंगे, द फाइल विल not be opened as RB or WB, it will be opened as append file. Okay, because here we can append the data. Since we were storing the data as multiple records, so therefore it will allow us to have more records further. So I'll apply the same methodology when I'm writing into the file, accept the roll number, keep on dumping into the file, and if you want to have more records, otherwise you can come out. So the rest of the thing is just copy pasted, and we're going to come back, and that's it. So हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोड चेंज कर दिया ए बी को, और साथ में हमारा डेटा अपेंड हो गया. And when we want to run and check our programs, again pretty simple. So we just have to call the write function for writing the new data. I'll see whatever I've written, and then I'll use the append mode, and then I'll see whether my data has been done it properly or not into the file, right? So if I just run my program quickly, we'll enter the first roll number 1. Suppose name is A, percentage is 67, I want to have more record. Number 2, name is T, percentage is 68, I don't want to have more records. So see, the two records entered. Now I want to have another record, that means it has to be appended. So roll number 3, name is Y, percentage is
65, one more record, 4, and name is you, percentage is 88. So I don't want to have more. Can you see now all 4 records have been added? So I hope you've understood the 2 different ways of appending the data into the given file, right? Now the next thing, before we go on to the next thing, let's quickly revise what we have just learned. We have learned that there are 2 ways of appending again the data in the file, because there are 2 ways of writing the data into the file. So if the data was already entered in the file as a single record, then we took this program, right? So what we exactly did was, because it was a single record, so puri file humne kholi, pura record humne liya, lekar humne us record ko kahan pe rakha, ek python ke object ke andar. Aur अब क्योंकि उसी फाइल को हमें ओवरराइट करना है, तो हमारा जो मोड होगा फाइल को खोलने का वो होगा RB+, क्योंकि पहले हमने रीड किया. रीड करने के बाद अब जब पूरा डेटा हमारे पास आ गया है, आने के बाद हमने और डेटा एक्सेप्ट किया है. एक्सेप्ट करके यहाँ से हमने उस डेटा को, दैट मीन्स उस पाइथन ऑब्जेक्ट को अपेंड करते गए हैं, उसको ऐड करते गए. अभी फाइल में कुछ नहीं लिखा गया. अब वंस वी आर डन, it's still there in the form of a single record, because everything is getting stored as list of list in REC. So once it's done, ultimately now what is happening is you're going to the beginning of the file by using the seek function, then you're dumping as it is. So whatever was the original content in the file, that is overwritten, and hence your file is being appended. So we've opened the binary file in RB+ mode. We have accepted the new data. It is added to the already created object, which is REC, where the old data was also stored. And finally, the file pointer is taken to the beginning of the file and the data is dumped over there. Similarly, if I want to append into the file where the data is stored as a multiple record, so multiple record mein just go to the end of the file. How do you go to the end of the file? Aapko sirf file ko AB mode mein kholna hai, append mode mein kholna. To append mode mein aapne aap gaye, aapne ek ek karke data liya, aur saath saath pickle.dump se aapne data ko file ke andar directly transfer karte gaye. So finally got opened in AB mode. Then you're taking the data, so new data is accepted and simultaneously it is inserted into the file, not at the end. And finally, at the end, once everything is being inserted, you have closed the file. Okay, so now let's do, our next program where, you know, we need to delete the data which is already there in the file. Again, let's again take the first case where we have assumed that the data was stored into the file as a single record. Okay, so single record mein delete karne ka matlab kya hota hai, ki aapko data ko uthana hai us object ke andar, jo aapka python ka object hai uske andar pehle modify karna hai aur fir file ko overwrite karna hai. तो आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली वही फाइल पे हम काम करेंगे. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डेल. डेल के अंदर आपने सबसे पहले फाइल को ओपन करा, सो वी हैव दिस फाइल विद अस. हमने फाइल को ले लिया. फाइल को लेने के बाद हमने क्या किया, हमने पूरे डेटा को कॉपी कर लिया. सो नाउ वी हैव द डेटा विद अस. ओके, साइमल्टेनियसली हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो एक टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया साथ साथ में, हमारा पाइथन का ऑब्जेक्ट, विच विल गोइंग टू स्टोर ऑल द रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट द रोल नंबर दैट आई वांट टू डिलीट. सो सपोज माय डिलीशन इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ द रोल नंबर, आई वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर रोल नंबर एक्सेप्टेड. सो इफ आई से इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर टू बी डिलीटेड. ऑल राइट, सो हमें एक रोल नंबर डिलीट करना है जो हमने ए के अंदर ले लिया. अब हमारे पास सारा डेटा ऑलरेडी REC में है, तो सीधा सीधा लूप चलाएंगे फॉर आई इन REC. हमें और अच्छा हमें इंडिकेट भी तो करना है ना कि वेदर हम वी वर सक्सेसफुल इन डिलीटिंग इट और नॉट. सो वही चीज़ करते हैं, एक हम काउंटर ले लेते हैं चेक करने के लिए फाउंड, मतलब अभी तक हमारे को रोल नंबर नहीं मिला है. सो हमारे को सारा डेटा ट्रांसफ़र करना है REC से के अंदर एक्सेप्ट द रोल नंबर विच इज़ एक्सेप्टेड इन ए. सो हम क्या करेंगे, आई इन REC लेंगे. वंस वी हैव टेकन द डेटा, नाउ वन बाय वन वी गोइंग टू रीड इट. सो इफ आई विल जस्ट से इफ आई
of 0 is equal to A. That means हमारे को roll number मिल गया है. Roll number मिल गया तो हम indicate कर देते हैं कि हमारे पास found मिल गया है. और हमें वो data को transfer नहीं करना है. और अगर नहीं मिला है तो हमें बाकी सारे data को transfer कर देना है K के अंदर. So we'll simply say K dot append and get me the whole data, because पूरा list of list का पूरा list उठाएगा I के अंदर और वो K के अंदर हम लोग directly transfer कर देंगे. So once it's done, you come out of the loop, you simply say that if found is equal to zero, right? So अब क्योंकि हमें delete करना है और मैंने यही बताया था इसी file में हम override कर लेंगे तो इसको खोलेंगे RB plus mode के अंदर. So अगर मुझे record नहीं मिला है तो found हमारा zero रहेगा तो हमारे को file को override करने की ज़रूरत ही नहीं है. So if we'll just simply indicate that if found is equal to zero, I'll simply print that record not found. लेकिन अगर मुझे record मिल गया है, else अगर मुझे record मिल गया तो मुझे उस record को सीधा सीधा dump करना है file के अंदर. So I'll just simply dump, but this time it is not REC I want to dump, because मेरा modified data किसके अंदर था, K के अंदर था. So I went to, but before this, आप भूलेंगे नहीं कि आपको पहले beginning of the file पे जाना है बच्चों. So we'll write seek 0. So go to the beginning of the file, dump in, and at the end just simply close your file and you're done with your work. So just run this program finally. So you want to write, you want to read, and simply you just want to check whether you were successful in deleting, and just check the final result. Okay, so we quickly run our program. I'm entering roll number 12, name is T, percentage is 67. I want to have another record. Roll number is 13, name is TT, percentage is say 88. No, I don't want to have more records. All right, so let's see हमने कौन सी गलती कर दी इसके अंदर. INR हमने int में लेना था और हमने गलती से यहाँ पर INR कर दिया, तो ये एक छोटी सी गलती हो गई. और कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसको रन करेंगे. Once first roll number, name is T, percentage is 78. I want to have another record, 13, name is U, percentage is 56. And I don't want to have another record. So, अब देखिए मेरे पास दो records आ गए हैं. Let me see which roll number I want to delete. Suppose I want to delete roll number 12. So, can you see now? I'm only left with 13. 12 has been deleted. Alright. Now, let's go on to the next case. Alright. Now, in this case, we'll just work a little differently. Because इसके अंदर data कैसे copy हुआ था? हमारा data जो file के अंदर था, वो record by record था. Okay? So, हमें एक data को fetch करना है. अब यहाँ पर हम simultaneously दो files में काम करेंगे. हम एक एक करके record को उठाएंगे. अगर वो match करता है तो हम उस record को copy नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो match नहीं करता है तो हम उस record को transfer कर देंगे दूसरी file में. So this way we will be in a position to transfer all the records from one file to another except the roll number for which we don't want to have the record. Alright, so this way we are basically deleting it. So iska function maine likha hua hai, main aapko quickly bata deti hu. So you basically will be working in two different files. So the first file, of course, you know is a binary file. Now simultaneously you're going to have a temporary file also, and you're accepting the roll number. What happens is, again this is an indication. So here you are reading one record at a time. जहाँ जहाँ आपको एक एक record read करना है, वहाँ पर आप exception तो लगाएंगे, because आपको पता है end of file exception को handle करने के लिए हमारे को ये exception लगानी definitely पड़ेगी. So पहला record read करा, अगर वो record मिल जाता है, so it is an indication that we have got the record, that is indicated through making found is equal to 1, which means 0 plus 1 is 1. लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो हम वो record उठाएंगे और किस में dump कर देंगे, we'll dump it into the next file, okay, that temporary file which is F1. So it is done, it continues. जैसे ही exception handle, क्योंकि ये चीज़ तो end of the file तक run करेगी करेगी, तो जैसे ही exception raise हो जाता है and or it reaches the end of the file, हम दोनों files को close
कर देंगे, बिकॉज क्लोज करना कंपल्सरी है. और यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि अगर हमारे को फाइल जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिला है, दैट मीन्स द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड. नाउ दिस इफ यू रिमेंबर आई यूज द सेम कॉन्सेप्ट इन द टेक्स्ट फाइल ऑल्सो, बिकॉज वंस वी हैव द डेटा इन द फाइल, because they're two simultaneously, we are working on two files simultaneously, therefore now we don't need the original file, we have to remove it. And you remember we are supposed to import the operating system module, all right, because here we are dealing with removing and we are dealing with renaming of file, which are these are required, that these functions are basically रिलेटेड टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो रिमूव कर दी हमने ओरिजिनल फाइल को, और हमारी जो टेम्प्रेरी फाइल जिसके अंदर हम एक एक करके डेटा ट्रांसफर कर रहे थे उसको हमने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, एंड दैट्स इट. सो सिमिलरली व्हेन वी आर यू नो रनिंग द प्रोग्राम वील जस्ट सी क्विकली हाउ इट्स वर्किंग. रोल नंबर 12, नेम इज आर आर, परसेंटेज इज 67, आई विल हैव मोर रिकॉर्ड, ऑल राइट, जस्ट हैव वन मोर रिकॉर्ड, 45, एंटर द नेम YY, percentage is 88, I don't want to have another record, so tell me the roll number that you need to delete. So I want to delete, say for example, roll number 45, okay. So now I am left with this particular file because it's the same file where now you have the data. So I hope it's clear to you. Let's quickly do the recap. When we want to delete a record from the file, when the data is entered as a single record, so I just told you, एक record अगर होता है तो delete का मतलब सीधा सीधा होता है कि Python के object में पहले सारा data डालिए आप लोग, जैसे ही आपने डाला simultaneously एक और object create कर लीजिए, जो temporary object हो, k नाम दिया हुआ है इस program के अंदर, और एक एक करके transfer करिए data को, उसको छोड़ के जो रोल नंबर मैच फाउंड हो जाता है. तो अगर आपको मैच मिल जाता है तो आप ये इंडिकेट कर देंगे कि यू फाउंड द रोल नंबर. अगर आपको मैच नहीं मिलता है देन यू विल बेसिकली कीप ऑन ट्रांसफरिंग द डेटा इनटू द पाइथन ऑब्जेक्ट. सो वंस यू हैव ट्रांसफर द डेटा इनटू द पाइथन ऑब्जेक्ट देन यू सिंपली जस्ट डंपिंग इट, ओके, इन द सेम फाइल बाय फर्स्ट गोइंग टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, right? So this is how it's working. You're basically opening the binary file because here we are doing not only reading but writing, so we need to use the mode rb plus. Once we have done that, you have to create a temporary list which is k, and then all the records are appended in k except the record for which the match is there, right? Once it's done, go to the beginning of the file. So file pointer has to be taken to the beginning of the file, and then you are supposed to dump the rest of the record and close your file. Similarly, when I want to delete the record from the binary file where the file has multiple records, to hame kya karna hai, hame seedha seedha file ko kholna hai, saath mein ek temporary file simultaneously kholni hai. Agar hamare ko record match करता है तो हमारे को ट्रांसफ़र नहीं करना है. अगर रिकॉर्ड मैच नहीं करता है तो हमें ट्रांसफ़र करना है. और अगर रिकॉर्ड मिल जाता है, दैट इज़ रिकॉर्ड मतलब मैच मिल जाता है, विच मीन्स यू आर एबल टू फाइंड द रोल नंबर दैट यू वर लुकिंग फॉर विच हैज़ टू बी डिलीटेड, देन इट इज़ एन इंडिकेशन दैट यू गॉट द रोल नंबर. सो यू विल से फाउंड प्लस इज इक्वल टू वन, नहीं तो यू कीप ऑन ट्रांसफरिंग. अगर आपने सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया और आपको रोल नंबर मिला ही नहीं तो लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स इफ फाउंड इज स्टिल इक्वल टू जीरो, इट विल डिस्प्ले दैट द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड. फाइनली सिंस यू आर वर्किंग ऑन टू फाइल साइमल्टेनियसली, यू आर सपोज टू रिमूव the original file and rename the existing temp file to another, this the new file with the old file name, so that your file is completely retained. So in the first case, binary file is opened in the RB mode, and please remember the second file has to be opened in the WB mode. Then one by one the record is fetched from the file. Once it's done, then after writing all the records, you just have to remove the original file and the temporary file is renamed. I hope it's clear to you. And let's go on to the last section where we'll quickly learn how to sort the record. Now, isko hum asaan wale tarike se karenge, assuming that the data is stored as a single record. Because in this case, mein na, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर हम डेटा को सिंगल रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो लेट्स सी क्विकली.
सो फॉर सॉर्टिंग हमारे पास ये हमारा वही पुराना वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी डेटा को इस तरह से हम लोग एंटर करेंगे एज अ सिंगल रिकॉर्ड. अब इसको एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ सॉर्ट. सॉर्ट करने के लिए हमें सीधा सीधा बेसिकली क्या करना है, पूरा डेटा पहले तो उठाना है और उठा के हमारे को किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, REC के अंदर. सो वी हैव टेकन द डेटा, वी हैव ओपन द फाइल, नाउ वी हैव स्टोर द डेटा ओवर देयर. हियर वी वर गोइंग टू यूज अ न्यू एनोनिमस फंक्शन कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज लैम्डा, बट वील आई जस्ट टेल यू ऑल्सो क्विकली अबाउट इट. देखो जब हमें सॉर्ट करना पड़ता है तो हम सॉर्ट के लिए, आपको पता है हमारे पास दो फंक्शंस हैं, वन इज सॉर्ट एंड द अदर इज सॉर्टेड. ओके, सॉर्ट जो है वो आपका जो पाइथन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंजेस करता है, लेकिन सॉर्टेड सिर्फ सॉर्टेड डेटा डिस्प्ले करता है, चेंजेस नहीं करता है एक्चुअली में आपके पाइथन के जो ये है ऑब्जेक्ट के अंदर. ऑलराइट, सो वी गोइंग टू यूज द सॉर्ट बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू सॉर्ट द डेटा एंड स्टोर इट इनटू द फाइल. सो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे आरबी में नहीं बल्कि आरबी प्लस मोड में, बिकॉज पहले हमने फाइल को रीड करा, पूरा डेटा उठाया, REC के अंदर डाला. अब हम इसी डेटा को पहले सॉर्ट करेंगे और फिर ओवरराइट करेंगे फाइल को. ओके, सो हम लिखेंगे REC.sort, लेकिन आपको तो पता है यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड है, लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में. अच्छा, अगर सॉर्ट में आपने, अगर आपको याद हो 11th क्लास के अंदर, तो आप लोगों ने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू पढ़ा था, विच इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स. इसके अलावा एक और पैरामीटर है, जो पैरामीटर होता है की. सो की आपको बेसिकली ये बताता है कि वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर सॉर्टिंग द रिकॉर्ड. ओके, नाउ आर क्राइटेरिया इज बिकॉज देर इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, सो आई वुड लाइक, आई कैन सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, आई कैन इवन डू सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रोल नंबर, और आई कैन डू सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज. ऑल राइट, एंड आई नो दैट द फर्स्ट सब्सक्रिप्ट हैज रोल नंबर, द सेकेंड वन हैज नेम, एंड द थर्ड वन हैज द परसेंटेज. सो आई हैव टू, एंड इट दिस द वैल्यू ऑफ की हैज टू बी the value which has to be returned from a particular function, on the basis of that value, you know, the criteria will be decided that yes, on the basis of this criteria you will going to sort. So यहाँ पर हम इसकी value कैसे लिखेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा, lambda एक anonymous function है. So lambda एक anonymous function का मतलब होता है ये वो कीवर्ड है जिसकी वजह से एक फंक्शन तो बनता है लेकिन फंक्शन का कोई नाम नहीं होता. सो लैम्डा क्या करेगा, यू कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू लैम्डा. सो राइट नाउ बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट REC, सो आई एम पासिंग दिस एज अ पैरामीटर टू REC. नाउ व्हाट डू यू वांट अस टू रिटर्न व्हेन वंस यू आर पासिंग द पैरामीटर. सो लैम्डा इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू, it takes the parameters and on the basis of those parameters it returns an expression. That expression answer goes to the key and then the sorting is done on the basis of that key. Okay, मैं फिर बोलती हूँ, sort में apart from reverse हमारे पास एक key भी है. तो key वो criteria define करता है जिसके basis पे आप sorting करोगे. ओके, पाइथन में सॉर्टिंग होती है. सो वो क्या करेगा, आप पैरामीटर दोगे बट की के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है इसके अंदर, इट्स नॉट अ नॉर्मल लिस्ट, देयरफॉर यू हैव टू यूज एन एनोनिमस फंक्शन विच इज गिवन विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड कॉल्ड लैम्डा. लैम्डा विल हैव टू थिंग्स, यू कैन पास वन पैरामीटर और मेनी पैरामीटर्स टू इट. सो वंस यू पास द पैरामीटर REC, इट विल गोइंग टू रिटर्न. नाउ व्हाट डू यू वांट इट टू रिटर्न, आई वांट इट टू रिटर्न that you know it should be sorted on the basis of the roll number. So REC 0 will be returned in this case, which in turn goes to the key attribute. Once it goes to the key, so then the data is sorted on the basis of 0th subscript, which means your roll number. So once it's done, the answer gets restored in REC. Now what am I supposed to do? I'm supposed to go to the top. Ek baar hum indentation theek kar lein zara. So I wanted to go to the top of the file. That means how do I go? So f.seq 0. Once I've gone there, I just have to overwrite the sorted data. So I'll simply say pickle.dump the data, and hence we are done. So now you're just supposed to close the file, f.close,
and let's see how it works out when we are running. So I'm supposed to write the file. After that, I would like to read the file. After that, I would like to sort the file, and I would like to further read the file. So if I run my program, I just have to enter my first, say for roll number 12, name is T, percentage is 67. More record, yes, kam se kam 3 records le lete hain. Roll number 2, name is say Y, percentage is 56. Another record, 3, name is UU, percentage is 78. Now I don't want to enter more record. Now can you see in the first case 12, 2, 3, but in the second case the sorted data is there with respect to the roll number. If I would have made the change in terms of not the roll number but with respect to the name, I would have written 1. So if we write 1, likh dete, to write nahi karte hain, dobara se run karke dekhte hain program. तो आप ध्यान से देखना, पहले T आता है अल्फाबेटिकली, फिर U आता है और फिर Y आता है. इसी तरह से आप परसेंटेज को अगर आप सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो दिस इज़ वेरी क्विक एंड इजी वे ऑफ डूइंग इट. इसीलिए देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बोर्ड कभी ये नहीं बोलेगा कि आप इस मेथडोलॉजी से करो या उस मेथडोलॉजी से करो. और हमारे को यूज़ करना है एक ईजी मेथडोलॉजी जिसमें सॉर्टिंग सर्चिंग ईजी हो जाती है, अपडेशन ईजी हो जाती है. सो किस प्रोसेस के अंदर ईजी, देखिए एज अ प्रोग्रामर आपको पता सब कुछ होना चाहिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर पूरी लिबर्टी है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें. बिकॉज अगर हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो हमारे को सीक और टेल बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, विच विल गोइंग टू टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, ऑलराइट. So I think this is a very simple way of doing it, and you can just accordingly do all rest of your programs on the basis of whether it's a single record or a multiple record and all, and then just have a quick revision of what we did with respect to this one. So ye humne last kiya tha. So sorting in the binary file, ये हमने use किया था अभी ये वाले concept को. REC में key is equal to lambda. 2 में क्या करा, देखो. So binary file is opened in RB plus mode. The data is transferred into REC from the file. So once it's being loaded, this is important. So here the data in the list is sorted on the basis of the sub key. How do you provide the sub key? Through its key attribute. And this key attribute can only take the value from a particular function. And how do you provide a function name? Anonymous function through lambda keyword. That is how it works. And then go to the beginning of the file, dump the rest of the records, and hence your record is sorted. So quickly ek bar kar lete hai. What is a key? It is an optional parameter when we use sort or sorted function, which decides the sorting criteria, jo maine aapko pehle bhi bataya tha. And what is a lambda? ये एक कीवर्ड है और ये एक एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का नाम तो हमने कहीं नहीं दिया ना, हमने तो सिर्फ ये कीवर्ड यूज करा. विच विल हैव और विच कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, बट इट रिजल्ट्स और इट गिव्स वन एक्सप्रेशन. ओके, सो अगर आपके पास, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल अभी केस में दिया था कि इफ आर ई सी इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू लैम्डा एंड यू इट रिटर्न्स आर ई सी 1, दैट मीन्स द सॉर्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेम. If it would have been REC 2, the sorting would have been done on the basis of the percentage and so on. So I hope, children, you've understood what I told you today. And please, if you have understood and if you have liked my video, please do press the like button, subscribe, and under the comment section, if you have any queries, you're most welcome to type that and let me know where if there's any topic that you want me to explain, I'll definitely going to explain and get back to you. Thank you so much and have a lovely day.